फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोना आर्ट एंड लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड्स, दिवाली अब आने ही वाली है, तो मैं आपके साथ एक कैंडल होल्डर शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही इजी है और कुछ वेस्ट मटेरियल का यूज करके ही हम बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड में से एक राउंड कट कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने टी लाइट कैंडल ली है, इस तरह सेंटर में रख के उसी के साइज का एक राउंड ड्रॉ कर लेना है। मैंने यहाँ पर कैंडल से थोड़ा सा बड़ा राउंड ड्रॉ किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिए है कस्टर्ड एप्पल के सीड्स। अभी सीताफल की सीजन चल रही है, तो मैंने उसके बीज को अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया है। इसका यूज करके ही हम कैंडल होल्डर रेडी करेंगे। इस तरह ग्लू गन की हेल्प से हम इसे स्टिक करते जाएंगे। जरूरी नहीं है फ्रेंड्स कि बाहर से कुछ मटेरियल परचेस करके लाए और उससे कुछ DIY क्रिएट करे तो ही वो अच्छा लगेगा। इस तरह वेस्ट चीजों का यूज करके भी हम DIY रेडी कर सकते हैं। बस देखना ये है कि हम उसको किस नजरिए से देखते हैं। फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद सेकंड राउंड भी हमें सेम वे से कंप्लीट कर लेना है। ओके, सारे सीड्स को मैंने कुछ इस तरह से स्टिक कर लिए हैं। अब आता है इसका कलरिंग पार्ट। तो यहाँ पर मैंने सभी पर्ल कलर का ही यूज किया है। जो भी कलर मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ वो मैं डिस्प्ले पर मेंशन कर दूंगी। आप अपने मन चाहे कोई भी कलर ले सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने कई सारे दिवाली डेकोरेशन आइडिया शेयर किए हैं फ्रेंड्स, तो आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। तो इस तरह का होल्डर मैंने कुछ रेडी कर लिया है। सेम वे से मैंने एक दूसरा भी रेडी कर लिया है। तो रेडी है हमारे कैंडल होल्डर। तो सेंटर में इस तरह से टी लाइट कैंडल रख देंगे। इसे रंगोली में सेंटर में भी रख सकते हैं फ्रेंड्स। और दिवाली जाने के बाद सेंटर में राउंड ग्लास मिरर स्टिक करके आप इसे एज अ वॉल हैंगिंग भी यूज कर सकते हैं। तो रेडी है हमारे कैंडल होल्डर। बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, आप भी जरूर ट्राई करें। ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। एंड अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लास्ट दिवाली पे मैंने इस तरह के वॉटर कैंडल डेकोरेशन आइडियाज भी शेयर किए थे फ्रेंड्स, जो बहुत ही इजी है और आप घर पे ही ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगी, तो आप वहाँ से व्यू कर सकते हैं। सो हैप्पी दिवाली टू ऑल डियर फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।